ये मेरे ब्लैक जर्मन शेफर्ड है, इसको मैंने शोकेस किया था राइट साइड। ये डॉग किसी ने रोड पे छोड़ रखा था, मुझे रात को नजर आया, मैं इसको अपने कैनल पे ले आया। हम लोग इसको ट्रीट करेंगे और उसके बाद फिर इसको एडॉप्शन पे देंगे। गोल्डन रिट्रीवर का पेयर है, तो भाई ये है टाइबेटियन मैस्टिफ। ये सर रेड लीश के अंदर जो है ये हमारा डॉग है सर, मेल। क्या नाम है इसका? ये मैक्सो। मैक्सो लेके आए अपना लीवर टैन जर्मन शेफर्ड, जो सबसे इनकी स्पेशलिटी है। तो भाई आज हम आए हैं डीबी कैनल रोहतक, तो मैं आपको यहाँ पे सारे डॉग्स दिखाता हूँ अंदर चल के। यहाँ पे यहाँ के ओनर हैं, क्या नाम है सर? पुलकित बेरवाल, रितेश दलाल। सर कौन कौन से डॉग्स दिखाओगे आज आप? सर हमारे पास ब्लैक जर्मन शेफर्ड है, लिवर टैन कलर जर्मन शेफर्ड है, इनके पास सारे रेयर डॉग्स हैं। आपको अंदर चल के दिखाते हैं, फिर सर वहीं अंदर ही सब कुछ बताएंगे। आइए सर, आइए सर आपको दिखाते हैं हमारा फार्म। ये हमारा नया फार्म सेटअप है, आप एक बार देखिए पूरा करीबन एक एकड़ के आसपास ये हम लोगों ने एरिया डेवलप कर रहे हैं इसका, और एक अच्छे लेवल का कैनल सेटअप जिसके अंदर हम लोग सारी फैसिलिटीज सारी एक्टिविटीज के साथ साथ हम लोग अच्छे लेवल की ब्रीडिंग करेंगे। आइए मैं आपको अपने डॉग्स दिखाता हूँ। ये हमारी फीमेल है अमेरिकन अकीता की। अमेरिकन अकीता, यस, इंपोर्ट लाइन है, इंपोर्ट से ही हमेशा मेटिंग होती है, इंपोर्ट लाइन के ही पपीज के अंदर हम लोग डील करते हैं। ये हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, किनी ने इसको अबैंडन कर दिया था इस पग को ड्यू टू हिज इंजरी। हम लोग इसका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करा रहे हैं और बाद में इसको अडॉप्शन के लिए डालेंगे। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं सभी अपने ब्रीडर्स को बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सोशल वर्क भी करें, जो इंजर्ड डॉग हैं हम लोग उनका फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं। ये किसी ने फैमिली ने छोड़ दिया था, हम लोग इसको ठीक कर रहे हैं। सर ये मेरा गोल्डन रिट्रीवर का स्टड है, ये वाला, ये भी इम्पोर्ट लाइन से है, अभी इसका हेयर कट करा हुआ है, बहुत अच्छी ग्रोथ का, अच्छे साइज का एक अच्छा डॉग है, अच्छी प्रोड्यूसिंग करता है। ये सर मेरी बीगल की फीमेल है और ये मेरी इंपोर्ट लाइन की ही फीमेल है, हॉफमैन डॉग है दिल्ली के अंदर, उसकी बच्ची है, अभी हम लोग इसको रेडी। गोल्डन रिट्रीवर है, गोल्डन लैब है सर, गोल्डन लैब। हाँ, और ये बीगल, ये पीछे पग की फीमेल, ब्लैक पग। ये सर सनी सिखों की लाइन से फीमेल है, अभी इससे हम लोगों ने अपने मेल से ये प्रोड्यूसिंग निकाली है, ये मेरी होम ब्रीडिंग का बच्चा, होम ब्रीडिंग, यस, ये मेरी होम ब्रीडिंग की बच्ची है, ये हम लोगों ने रिटेन करी थी अपनी आगे की प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए। ये सर हमारी लैब की फीमेल है। ये सर मेरे कैनल का एक अट्रैक्शन कह लो या एक स्पेशल एलिमेंट, मैं तिब्बतन मैस्टिफ। अभी ये बच्ची है 7 महीने की, अभी हम लोग इसको रेडी कर रहे हैं आगे इसका प्रोडक्शन के लिए, और इसकी हम लोग ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अभी 7 महीने की है सिर्फ? हाँ जी सर, ये सिर्फ 7 महीने की है। ये ब्लैक जर्मन शेफर्ड मेरी स्पेशलिटी है, जो आपकी स्पेशलिटी है। यस, मैंने इसको शो में भी शो किया था, ये मेरा मेल फीमेल का जोड़ा है ब्लैक जर्मन शेफर्ड का, लॉन्ग कोट के अंदर हम लोग एक्सक्लूसिव इसकी ब्रीडिंग करते हैं। इसके मेरे पास अभी 1 लीटर हुआ भी है इसी मेल से, जो कि पपी ऑलमोस्ट सारे बुक हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन देता है मेरा मेल है। ये मेरी फीमेल है, ये ब्लैक जर्मन शेफर्ड है। रोहतक डॉग शो वाली वीडियो में देखे होंगे सर को, ये लेके आए थे ब्लैक जर्मन शेफर्ड। और ये सर ये भी एक फीमेल है जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड की। ये सर ब्लू आईज के अंदर मेरा हस्की का स्टड है, इंपोर्ट लाइन से है सर ये, और ये फीमेल है सर ऑल आईज में, बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन करता है। और एक जो मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा सारे ब्रीडर साथियों को कि एक जो वुली कोट का ट्रेंड चल पड़ा है, जिसको अलास्कन मेलमूट से हम लोगों ने मिक्स कर करके और उसको एक ट्रेंड खराब कर दिया है, अभी यहाँ पे सिर्फ फैंस चल रहे हैं और कूलर चल रहा है, और ये मेरे जो स्टैंडर्ड कोट के अंदर जो हस्की है वो इस एनवायरनमेंट के अंदर भी इजीली रह सकता है। आप वुली कोट के लिए
बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, आप लोग स्टैंडर्ड कोट की तरफ जाएं, क्योंकि बेसिकली हस्की का जो कोट है वो स्टैंडर्ड यहाँ पे रह भी नहीं पाएगा ढंग से, है ना, वूली कोट वाला, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। हिमालय में चल जाएगा उस तरफ, मनाली वगैरह में। सर ये मेरी ब्लू आइज में फीमेल है हस्की की, अभी आउट ऑफ कोट है, या पपी दे के हटी थी अभी। अच्छा। अभी आउट ऑफ कोट कंडीशन में है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मार्किंग के, बहुत सुंदर बच्चे देखिए, वैसे भी बहुत सुंदर है। सर ये मेरा एक लिवर टैन कलर का, जो मैंने डॉग शो के अंदर भी शो किया था, रोहतक डॉग शो, रेयर कलर है। मेरी जो स्पेशलिटी स्ट्रेस है, स्पेशलिटी है, वो रेयर कलर्स के अंदर, रेयर ब्रीड्स के अंदर है। और ये एक लॉन्ग कोट में फीमेल अभी मैंने रेडी करी है सर, ये 6 मंथ की है, अभी 6 मंथ की इंपोर्ट लाइन की है, इसके अभी हम लोग रेडी कर रहे हैं सर इसको। ये देखो 6 मंथ की, और ये लीवर टैन कलर का सर की स्पेशलिटी जर्मन शेफर्ड। अभी इसकी कितनी एज है जर्मन शेफर्ड की? सर ये 2 ईयर्स का है जर्मन शेफर्ड, एलेक्स डॉग है पंजाब के अंदर, ऑल इंडिया चैंपियन है ये, उसका बच्चा है सर। अच्छा सर ये नवाब है, ये हमारा लैब का गोल्डन कलर में स्टड है। हाँ जी सर, नवाब जो ट्रेंड है, पंच फेस, हैवी हेड, सभी कुछ क्वालिटीज इसके अंदर हैं। अभी करंटली इसके बहुत अच्छे सुंदर पपीज आ रहे हैं, बहुत हेल्दी हैवी बोन के अंदर पपीज आ रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है सर। आइए सर आपको अभी मैं और डॉग्स अपने कुछ कैनल के बारे में बताओ कि इनका एरिया कैसे क्या। सर आप एक बार इधर देखिए, मैंने करीबन 1 एकड़ के अराउंड अभी अपना कैनल सेटअप करना स्टार्ट किया है। इसके अंदर हम लोगों का जो बेसिकली जो स्ट्रेस है वो है ओपन एरिया डॉग्स को प्रोवाइड करना, जिसके अंदर ये फ्रीली घूम सके। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे हमारे ब्रीडिंग साथी जो ब्रीडिंग करते हैं, उनके पास स्पेस का इश्यू रहता है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस एनवायरनमेंट के अंदर डॉग कभी बीमार होगा ही नहीं। जो डॉग नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरल घूमेगा, फिरेगा, खेलेगा, कूदेगा अपनी मर्जी से, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, पूरी एक्सरसाइज होगी। हाँ। आपको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना उतना इजी हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसलिए ओपन स्पेस, आप यहाँ पे कोई भी ब्रीड रख सकते हो, कहने का पाकिस्तानी बुली वगैरह सब। अभी हम लोग यहाँ पे एक और कैनल सेटअप कर रहे हैं, जिसके अंदर फुली एयर कंडीशन, मैं आगे अलास्कन मेलमूट, बेल्जियम मेलनॉइस और यूरोपियन डॉबरमैन के अंदर भी अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो उनके लिए अभी मैं स्पेशलाइज कैनल बना रहा हूँ, जिनके अंदर हम लोग सारी फैसिलिटी के साथ, प्लस मैं यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर, एडवांस ट्रेनिंग सेंटर और बोर्डिंग की फैसिलिटी और बाकी एक्टिविटीज़ भी, जो कि वीकेंड एक फैमिली जोन बनाएंगे इसको, क्योंकि स्पेस हमारे पास बहुत है। हम लोग इसको एज ए वीकेंड एक्टिविटी सेंटर बनाएंगे, जिसके अंदर आप आएँ अपने डॉग के साथ, यहाँ पे आपका डॉग भी ओपन एनवायरनमेंट एंजॉय करे और हम आपको भी एक ऐसा स्पेस देंगे जिसके अंदर आप भी फैमिली के साथ एंजॉय कर सको। मतलब जैसे कोई देखने भी आ सकता है आपके फार्म? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम एनी टाइम। आप कभी भी आए फार्म विजिट करें। मैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग डॉग खरीदते वक्त हमेशा ट्रेडर से कॉन्टेक्ट करते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझसे लें चाहे किसी और से लें, मैं आप लोगों से फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा कैनल से डॉग बाय करें। एटलीस्ट उसके मदर फादर के लिए, उसके पेडिग्री के लिए, उसके लिविंग एनवायरनमेंट को आप देख सकते हैं। ट्रेडर्स जो हमारे हैं कुछ मार्केट के अंदर, वो कहीं का पपी किसी का बोल के लोगों को दे देते हैं, बाद में वो लोग परेशान होते हैं। हमारे पास डेली ऐसे लोग मतलब आते हैं, कोई भी अच्छी लाइन का बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेली ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं सर हमारे को वो लाइन का बोल के दिया था और ये 6 महीने का पपी हो गया, ये अब रेडी नहीं हुआ और अच्छा नहीं बना, बिल्कुल अच्छा नहीं बना, उसमें वो दोष जिसका नाम वो उन्होंने लेके दिया है। अब 2-3 लाइन के नाम है जर्मन के अंदर, 2-3 लाइन के ही लैब के अंदर है, उन बेचारे को बदनाम करते हैं कि उस लाइन का पपी था हमारा रेडी नहीं हुआ, जबकि वो है किसी और। उनके पेरेंट्स बिल्कुल हल्के होते हैं जो, हाँ जी, हाँ जी सर, और फूड भी बहुत हल्का खिलाते हैं और रोटी वगैरह ही देते हैं लोग। सर फूड के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जिस तरह से अपने डॉग्स को रखते हैं और जिस तरह से इनको अपब्रिंग कर रहे हैं, मैं स्पेशल मेरा स्ट्रेस रहता है कि जिस एनवायरनमेंट से वो ब्रीड आई है, जैसे हमारे पास हस्कीज हैं, हस्की का एनवायरनमेंट ठंडा एनवायरनमेंट है, उसको उसी हिसाब से फूड दिया जाए, उसकी उसी हिसाब से मेडिसिन और उसके मल्टी विटामिन वगैरह और उसको सप्लीमेंट्स दिए जाएं, तो आपका कोई भी ब्रीड का डॉग कहीं पे भी रह सकता है और उसी को उसी तरह से मैनेज रखा जा सकता है। तो सर कि अभी 2-3 डॉग्स में अभी बाहर निकलवाते हैं और उनको, सर अभी हम मैं अभी मंगवाता हूँ डॉग्स को और आपको उनके बारे में डिटेल्स, पूरी डिटेल्स दी जाएगी। ये मेरे ब्लैक जर्मन शेफर्ड है, इसको मैंने शोकेस किया था राइट साइड वाले को। ये मेरा स्टड है सर, ये मेल है, ये फीमेल है सर, ये मेल है, यहाँ से इधर स्लाइड हो गया ना। हाँ जी सर, ये रेड लीश के अंदर जो है ये हमारा मेल है और ग्रीन में फीमेल,
हाँ ये फीमेल है सर, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन करता है। लॉन्ग कोट में पपीज आते हैं सर, और अपने सेगमेंट के अंदर मैं मानता हूँ कि ब्लैक जर्मन की जो एक क्वालिटी है स्टैंडर्ड, हम लोग शो करते हैं, शो क्वालिटी पपीज हैं ये सारे इसके। बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन करता है ये डॉग, बहुत सुंदर। फीमेल मैंने अभी रेडी करी है, आगे अभी इसकी प्रोड्यूसिंग आएगी मार्केट में। इसकी कितनी एज है सर? ये 2 साल के आसपास इसकी एज है। 2 साल का है ये सर? अच्छा। और अभी 2 लीटर इसके अभी हुए थे हमारे पास, दोनों के दोनों लीटर हमारे बुक हो चुके हैं। अच्छा। और बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन देता है। स्पेशली बात ये है कि जो लोग बोलते हैं कि ब्लैक जर्मन के अंदर एंगुलेशन नहीं आता, ये हमारे पपीज के अंदर, ब्लैक जर्मन शेफर्ड के अंदर, इसी को ब्रीडिंग कहते हैं सर, कि आपके अंदर अगर आपकी ब्रीडिंग के अंदर आपके मेल में जो कमियां हैं वो आपका फीमेल का पूरी करे, और आपकी फीमेल में अगर कोई कमी है तो आपका मेल पूरी करे। तो उसी हिसाब से हम लोग साइंटिफिक वे से ब्रीडिंग करते हैं और वैसा ही प्रोडक्शन निकालते हैं सर। फ्रेंडली नेचर है इनका सर, बहुत फ्रेंडली नेचर है, और इनके बच्चों का भी फ्रेंडली आएगा नेचर। हाँ जी सर। क्या नाम है इसका? टोनी। टोनी नाम है सर। टोनी भाई देखो, फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, उसका नेचर बिल्कुल फ्रेंडली है और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और एक्सरसाइज में और एनर्जी में सर? एनर्जी में इनको हम लोग शाम को 2 घंटे यहाँ पे ओपन एरिया के अंदर छोड़ देते हैं, अपनी पसंद से डॉग भाग के खेलता है, कूदता है और अपनी एक्सरसाइज खुद करता है। हम लोग इनको रेगुलर रनिंग और वॉकिंग रेगुलर हम इनके दे रहे हैं, ताकि क्योंकि इसके फूड के साथ साथ आपको एक्सरसाइज के ऊपर भी फोकस रखना पड़ता है सर। तो ये थे सर के ब्लैक जर्मन शेफर्ड, जो इनकी मेन स्पेशलिटी है। सर इनका प्राइस का आइडिया दे पाओगे कुछ? कितने सर पपीज एस्टिमेटेड प्राइस बता दो। सर पपीज का जो प्राइस रहता है वो 25,000 से लेकर 55,000 तक रहता है, डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड डिपेंड ऑन द कोट ऑल्सो। अच्छा। और शॉर्ट कोट में भी जर्मन शेफर्ड ब्लैक में आता है, सर्टिफाइड होते हैं अपने? यस सर, सर्टिफाइड होते हैं। तो जो भी डॉग्स होंगे सर के, सारे केसीए सर्टिफाइड होंगे, डीबी कैनल रोहतक। मैं नंबर भी आपको नीचे अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। अब दूसरा डॉग लेके आ रहे सर, कौन सा दिखाओगे सर अब नेक्स्ट? सर अभी लिवर टैन कलर का जो मेरा स्टड है, जो बहुत ही फेमस स्टड है क्योंकि वो रेयर कलर है, उसको अभी मैं आपको शोकेस कर। बिल्कुल। जैकी ले। तो सर लेके आए अपना लीवर टैन जर्मन शेफर्ड, जो सबसे इनकी स्पेशलिटी है। बताओ सर इसके बारे में। सर ये एक तो रेयर कलर है, आपने बहुत ब्लैक टैन कलर के जर्मन शेफर्ड या मैं कहता हूँ ब्लैक कलर के भी जर्मन शेफर्ड देखे होंगे। ये सबसे रेयर कलर है, कोई हजारों डॉग्स में से एक पपी का ऐसा कलर आता है जो कि आपका लिवर टैन। और सर इसका जो प्रोड्यूस है वो भी लिवर टैन देता है? सर ये प्रोडक्शन दोनों तरह के पपीज देता है, क्योंकि इसकी लाइन के अंदर जो है वो दोनों कलर ही थे। अच्छा। लेकिन ज़्यादा पपीज जो है वो लिवर टैन कलर के आते हैं सर, और इसकी डिमांड मेरे पास हमेशा, जितनी मेरे पास प्रोडक्शन है उससे कहीं ज़्यादा मेरे पास एडवांस बुकिंग रहती है, क्योंकि रेयर कलर है। कभी भी इसको रोड पे लेके निकल जाओ, ये उसी तरह से जैसे बुलेट और थार का है। अच्छा, एक ट्रेंड सेटर है, और उसी तरह से इसको जब लोग देखते हैं तो इसको पलट के जरूर देखते हैं कि इस कलर का डॉग उन्होंने जर्मन शेफर्ड के अंदर नहीं देखा है। तो सर ये ऑल इंडिया चैंपियन है एलेक्स, पंजाब के अंदर ऑल इंडिया चैंपियन। यस, ऑल इंडिया चैंपियन है, और ये KCI रजिस्टर्ड है, और इसकी प्रोडक्शन जो है बहुत सुंदर प्रोडक्शन आती है इसकी, विद फुल एंगुलेशन और शो क्वालिटी पपीज ये प्रोवाइड। और जो इसके KCI पेपर होता है उस पर भी कलर लिखा होता है? यस, इसके पेपर्स के ऊपर लिवर टैन कलर ही लिखा होता है। यस। अच्छा। और सर कोट कौन सा है? सर ये आपका शॉर्ट कोट के अंदर है, बाकी इसके ब्रीडिंग के साथ हम लोग अगर इसको लॉन्ग कोट की फीमेल के साथ, क्योंकि मैंने इसको लॉन्ग कोट की फीमेल के साथ कंबाइन करके और लॉन्ग कोट के लिवर टैन कलर के पपीज भी मैंने प्रोड्यूस करे हैं। अच्छा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ब्रीडिंग के अंदर वही है, आप कुछ भी निकाल सकते हो, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए। साइंटिफिक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप ब्रीडिंग करेंगे तो आप अपनी ब्रीडिंग को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सर इसके पपी का प्राइस बताइए क्या होता है? सर ये पपी वेरी करता है सर 30,000 से 50,000 के बीच। 30,000 से 50,000। यस सर। तो इसके नेचर में भी कोई डिफरेंस है कलर सर, के कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली है। आप इसको टच करके देखें, आप फर्स्ट टाइम इससे मिल रहे हैं, और बहुत ही फ्रेंडली डॉग है। शो के अंदर जो भी डॉग लगेगा सर वो कभी भी अग्रेसिव नहीं होगा। इसने खुद 7-8 शो खेल रखे हैं। ये आपको रोहतक डॉग शो वाली वीडियो में भी दिख जाएगा। ये सर लेके आए थे जब
जब भी इसने इसको अवार्ड लगा था, इसको भी और टोनी को भी, ब्लैक जर्मन शेफर्ड जो है दोनों को अवार्ड लगा था। ये मेल फीमेल है? हाँ सर, ये सर रेड लीश के अंदर जो है ये हमारा डॉग है सर, मेल। क्या नाम है इसका? ये मैक्सो। मैक्सो, ये बहुत सुंदर है, बहुत। ये फीमेल है सर, अभी आउट ऑफ कोर्ट है, अभी इसने पपीज दिए थे 2 महीने अच्छा। पहले, अभी इसका कोट जो ओरिजिनल कोट है वो नहीं है इसके पास। और ये हमारा मेल है, ये सेम कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने बहुत सुंदर प्रोडक्शन ली थी सर। अच्छा, बहुत सुंदर पपीज हुए थे हमारे। इन दोनों के ब्लू आईज है ना? हाँ, दोनों के ब्लू आईज है सर, और पपीज के अंदर भी ब्लू आईज आए थे, और एक अच्छा प्रोडक्शन इन दोनों ने पैदा करा था सर। अभी इसने स्ट्रेट करा हुआ कोट है ना? हाँ, इसने अभी स्ट्रेट किया ले आएगी, मगर हमेशा डिलीवरी के बाद अपना कोट स्ट्रेट करती है। अभी ले आएगी उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और भाई इनकी आंखें बहुत सुंदर है, ब्लू आईज है लिटरली, और थोड़ा कॉस्टली होता है ब्लू आईज नॉर्मल आईज से। यस सर। और ये फीमेल इतनी सुंदर है ना, तब लिटरली। ये भी इम्पोर्ट लाइन है अपनी? यस सर, ये भी इम्पोर्ट लाइन है, बहुत दोनों KCI रजिस्टर्ड है, और दोनों ही फीमेल भी प्रूवन फीमेल है, और मेल का ही प्रोडक्शन हम लोगों ने लिया है, तो मेल के प्रोडक्शन भी बहुत सुंदर आया था। ये भी इम्पोर्ट लाइन से, दोनों इम्पोर्ट लाइन। तो इनके पपीज का क्या कॉस्टिंग रहती है ब्लू आईज में? सर ब्लू आईज में 45,000। अच्छा, और नॉर्मल आईज में, वैसे तो इस बार तो कोई लेटर में हुआ नहीं, बट नॉर्मल आईज में वही उस ऑड आईज में, नॉर्मल आईज में पपीज की कॉस्टिंग जो है वो कम रहती है। हाई ऑन एनर्जी, लोग जो बोलते हैं कि सर इंडियन एनवायरनमेंट के अंदर क्या हस्की रह पाएगा, अगर स्टैंडर्ड कोट के अंदर हस्की है तो सर जरूर रह पाएगा। जो बुली कोट बोल के, एक तो मेंटेनेंस नहीं हो पाता उनका यहाँ पे, और वो यहाँ जो अलास्कन और इसका हस्की का मिक्स कर दे, मिक्सचर करके लोगों ने बुली कोट बनाया, वो एग्रेसिव भी बन जाता है डॉग है ना। यस सर, क्योंकि अलास्कन का नेचर भाई बहुत एग्रेसिव होता है। और जो सर आपका रेट है ना बहुत रीजनेबल है, जो मतलब इतने KCI होने के बाद भी और प्रॉपर कैनल के होने के बाद भी, मैंने देखा। मैं वही बोल रहा हूँ, आप अगर डायरेक्ट कैनल से लेंगे आपको प्राइस भी जेन्युइन मिलेगा। ट्रेडर्स क्या करते हैं, हम लोगों से 40,000 में लेके जाएंगे, 5,000 खुद के जोड़ेंगे और आपको 45,000। नहीं, आपके रेट बहुत ज्यादा रीजनेबल है, मतलब मैंने देखे क्वालिटी के साथ। मैं सबको बोलता हूँ कि हमेशा डॉग परचेज करें कैनल से करें, मेल फीमेल मदर फादर देख के लें, और एक अच्छे कैनल से लें जो मतलब रेपुटेटेड, इनका बहुत रेपुटेटेड है DB कैनल रोहतक में, तो आप बिल्कुल रेकमेंडेड है, आप आओ यहाँ पे देख के लेके जाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल देख के लेके जाइए। यूँ नहीं है कि मतलब खाली बच्चा दिखाएंगे, मदर फादर भी दिखाएंगे, आपको एरिया भी दिखाएंगे और फूड भी दिखाएंगे जो खिलाते हैं। ये सर मेरे गोल्डन रिट्रीवर का पेयर है, गोल्डन रिट्रीवर का पेयर है ये, और ये स्टड मेल है, और इनकी ये फीमेल है सर। फीमेल बहुत सुंदर है, आपने देखा बहुत सुंदर है, और बहुत कॉम्पैक्ट साइज है इसका। हाँ जी, मेल एक अच्छा प्रोड्यूसर साथ में हैवी बोन के पपीज देता है। इसके बॉडी स्ट्रक्चर से आपको आइडिया हो गया होगा कि गोल्डन रिट्रीवर के अंदर ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर रेयरली देखने को मिलता है, और ऐसे ही सुंदर पपीज ये निकालता है। क्या नाम है इसका? सर इसका नाम है शेडो। इसका भी नेचर फ्रेंडली है? यस, वेरी फ्रेंडली सर, हमारे सारे ही डॉग्स फ्रेंडली हैं सर। आप किसी डॉग से मिलें, हम जो भी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, हम उनको डॉग्स दिखाते हैं, उनको बताते हैं इनके बारे में, क्योंकि लोगों के अंदर जनरली ये रहता है कि हमारा वो ब्रीड एग्रेसिव है, वो ब्रीड काट लेगी, ऐसी कोई भी ब्रीड नहीं है जो काट ले, आपको बनाने के ऊपर है। हम लोगों ने सभी डॉग्स को फ्रेंडली रखा हुआ है। इसकी कॉस्टिंग क्या होती है, इसके प्राइस की? सर ये 25,000 का मेल और 20 की फीमेल। अच्छा, अब देखो फिर सर ने एकदम बिल्कुल ऐसा प्राइस बताया, कोई तोड़ नहीं है प्राइस का, रीजनेबल प्राइस बिल्कुल, और मतलब विद पेपर सर, विद पेपर्स, और इतने बढ़िया कैनल से आपको डॉग मिलेगा, और इस इम्पोर्ट लाइन है। यस सर, इम्पोर्ट लाइन है, देख सकते हो, मतलब कहीं और से लोगे ट्रेडर से तो आपको बिल्कुल ऐसे इससे फोटो दिखाएगा बच्चों की, और कुछ भी पेरेंट्स, यस yes, कोई भी पेरेंट्स दिखा हाँ। देगा, और पप्पी, क्योंकि आपको 6 महीने के बाद पता चलता है कि पप्पी क्या बनेगा। हाँ, और यहाँ से आपको फुल गारंटी मिलेगी पूरी ब्रीड की, लाइफ टाइम गारंटी होगी। यस, लाइफ टाइम गारंटी, और आपको हम जब आपको पप्पी देते हैं तो हम उसका हेल्थ चेकअप करवा के देते हैं, आपको हेल्थ कार्ड उसका बना के देंगे, ब्रीड कार्ड उसका बना के बिल्कुल देंगे। मतलब कोई भी आपको दिक्कत आएगी आगे तक भी बता के देंगे कैसे कैसे उसकी केयर करनी है। हम लोग लास्ट ईयर से अभी तक करीबन 100 पपीज सेल कर चुके हैं, 100 हैप्पी कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके अंदर कोई भी फीड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, या कैसी वो कैसा बच्चा बन रहा है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं, हम उनको गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उनके
उनको हेल्प करते हैं सर। अपने डॉग्स को सब हम रॉयल कैनन देते हैं। यस सर, रॉयल कैनन भी और अपना घर का फीड भी हम लोग घर में हम लोगों ने तैयार करवा रखा है, वो फीड देते हैं। अच्छा, और चिकन भी चलता होगा इनका? यस, चिकन नॉन वेज भी देते हैं सर, वेजिटेबल्स भी देते हैं जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, और उसके साथ साथ आपके मल्टीविटामिन वगैरह। तो ये सर हम अपने कस्टमर्स को भी गाइड करते हैं कि ब्रीड वाइज आपको क्या क्या उसको खिलाना है ताकि वो आपका एक सुंदर डॉग बन सके। तो भाई ये है टाइबेटियन मैस्टिफ फीमेल, और ये 6-7 महीने की अभी है ना? 7 महीने की है सर ये। 7 महीने की फीमेल टाइबेटियन मैस्टिफ है, लाइन फेस टाइबेटियन मैस्टिफ। अभी तो ये काफी हैवी होगी। हाँ जी, अभी बच्ची है सर, ये छोटी है, अभी अपनी ग्रोइंग फेज के अंदर है, तो हम लोग इसको अपनी ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर एक बेस्ट चीज है जो सबसे रेयर इसको बनाता है, इसके अंदर ना 22 पंजे हैं। वैसे नॉर्मली होते हैं 18 पंजे होते हैं, आगे 5 पर इसके पीछे एक पैर में 6 पंजे। दिखाना एक बार सर, ये देख सकते हो, 1-2 और बाकी 4 इधर। और बाय नेचर भी सॉफ्ट है और सबसे बेस्ट गार्ड है। और वैसे कहते हैं कि मतलब थोड़ा एग्रेसिव होता है 20 या 22 पंजे का कुत्ता। ऐसा कुछ नहीं है, समझदार गांव देहात में सर बोला जाता है कि 22 पंजे वाला जो डॉग होता है सर वो aggressive. हमारे पूर्वज बोलते थे कि वो समझदार होता है सर, उसके अच्छा, अंदर अच्छा। ज्यादा इंटेलिजेंट, थोड़ा लकी भी बताते हैं। यस, लकी भी है सर, है ना? लकी तो सर मैं ये कहता हूँ सारे डॉग्स ही हैं, किस्मत वाले के घर आते हैं सर डॉग्स। ये तो मतलब आप सोचते रहो कि आपके पास डॉग हो, जिसकी भाग्य में होगा उसी के पास डॉग जाता है सर। अभी हम लोगों ने इसका हेयर कट करवा रखा है, इसका बहुत हैवी कोट है, और ये एक चाइना इंपोर्ट डॉग है चंडीगढ़ के अंदर, ये उसकी डॉटर है। अभी हम लोग इसको अपनी ब्रीडिंग के लिए रेडी कर, अभी तो ब्रीडिंग में नहीं है। नहीं, नहीं अभी सर, अभी इसमें टाइम नहीं है, इसमें हम लोग इसको 15 मंथ्स एटलीस्ट इसको इसका ग्रोइंग फेज सेकंड देंगे, सेकंड हीट पे जाके इसकी वो होगी मेटिंग, वो बेस्ट एज है इसके लिए। अभी बिल्कुल ठंडे दिमाग की है, आप देखो बात कर रहे हैं, वैसे अग्रेसिव बताते हैं इसको टिप्टन मस्ट। सर आप खुद इसको टच करके देखें आपकी, और दूसरे डॉग्स का कैसा नेचर है इसका? सर दूसरे डॉग्स के साथ भी बहुत फ्रेंडली नेचर है इसका, और बाल भी इसके बहुत सॉफ्ट है और बहुत हैवी है इसके बाल। और ये हेयर कट करवा रखा है सर इसका, हेयर कट करवा रखा है, इसको हेयर कट दे रखा है हम लोगों ने। अभी विंटर में तो काफी हैवी हो जाएगी, बहुत हैवी कोट हो जाता है सर। हम आपको विंटर्स में भी बुलाएंगे, सभी डॉग्स की विद कोट भी आपको वीडियो बनवाएंगे सर, और तब तक हमारा एरिया भी डेवलप हो जाएगा। इसके प्राइस बता दो, एक एस्टिमेटेड कितने का होता है सर? ये 70,000 की का मेल होता है सर, और 65,000 की फीमेल होती है। केसीआई विद केसीआई, अगर इंपोर्ट लाइन है तो, नॉर्मल लाइंस है तो 10,000 कम हो जाता है सर। अच्छा, और अगर किसी को चाहिए अभी अवेलेबल करवा दोगे आप? सर अभी मेरे पास तो पपी इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे फ्रेंड हैं जिनसे हम लोगों ने फीमेल ली थी, उनके पास पपीज हैं, तो मैं अवेलेबल करा सकता हूँ। तो सर अवेलेबल करवा देंगे, बट अगर आपको इसी का बच्चा चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, इंतजार करना। ये सर वैसे भी आप गूगल पे सर्च करेंगे, जो वर्ल्ड के अंदर जो सबसे एक्सपेंसिव डॉग है टिबेटन मैस्टिफ, वो सेम कलर के अंदर, चाइना के अंदर जो डॉग है वो सेम कलर का, कैसे वो 7 करोड़ का है? यस सर, 7 करोड़ का डॉग है चाइना के अंदर, वो सेम रस्ट कलर के अंदर है, उसी सेम कलर में हम लोग इसको रेडी कर रहे हैं सर। इस कैनल की बेस्ट बात बताना चाहूंगा सर की, मुझे बहुत सही लगा इनका यहाँ पे सर, बताओ आप बताओ इसके बारे में। सर ये मैं सभी डॉग लवर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप डॉग लें तो उसकी अच्छे से केयर करें। ये डॉग किसी ने रोड पे छोड़ रखा था, मुझे रात को नजर आया, मैं इसको अपने कैनल पे ले आया, अबैंडन था ये। यस, अबैंडन डॉग है, इसकी आंख में इंजरी है सर, और इसकी स्किन भी बहुत ज्यादा खराब थी, अभी इसके हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉग लें तो उसकी अच्छे से केयर भी करें, हम लोग इसको ट्रीट करेंगे और उसके बाद फिर इसको एडॉप्शन पे देंगे। अच्छा, पर वैसे ये काफी क्यूट है ना सर? क्यूट है, बच्चे सभी क्यूट होते हैं सर, बहुत अच्छा डॉग है, और इस ये जिस भी फैमिली के पास रहा होगा उनसे केयर नहीं हुई, उन्होंने रात को रोड पे छोड़ दिया, अगर हम लोग इसको ना लेके आते तो इसको स्ट्रीट डॉग्स मार भी देते। बहुत गलत हुआ क्या, देखो छोड़ना नीचे सर, वो तो किस्मत की बात है, आपको मिल गए, तो कितना छोटा बेचारा, इसकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं, और अभी ये 10 दिन से हमारे पास है, अभी तो बहुत बेटर कंडीशन के अंदर आ गया, ये बिल्कुल स्किन्ड था इसकी, बहुत ज्यादा कमजोर हालत थी, और स्किन में भी बहुत ज्यादा बिल्कुल हड्डी निकल रही होगी उसके बाद, हड्डी निकल रही थी इसको, मेरे ख्याल में बहुत दिन से फीड नहीं खाना भी नहीं खाया होगा। हाँ जी, अभी देखो इसके सर डॉग के पास इतना प्यार है देने के लिए, वो आप अगर डॉग लें तो उसकी अच्छे से केयर करें, बहुत क्यूट है, अगर जब ठीक हो जाएगा तो आप सर से अडॉप्शन कर लेना, जो इसको अच्छे से रख सके। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इसको अडॉप्ट कर पाएंगे,
और एक अच्छी फैमिली के अंदर जो इसको केयर कर सके, हमारी बस प्रायोरिटी यही है कि जो भी इसको लेके जाए इसके ठीक होने के बाद वो इसको अच्छे से इसका बहुत जो अच्छी, बाकी अच्छी, जो अच्छे ढंग से रखे बिल्कुल श्योर कर सके हमारे को जब भी हम उसको देंगे। यस सर, उसका नाम क्या रखा है? जुन्नू सर, जुन्नू रखा है मैंने नाम। जुन्नू, और आपके साथ बहुत खुश है ना? हाँ खुश है सर, ये यहाँ पे खूब खेलता है, अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, दोनों टाइम डॉक्टर इसको देख रहे हैं और होपफुली 10-15 दिन में ये ओके हो जाएगा। उसके बाद हम लोग, वैसे इसकी आँख में क्या हो गया सर? इसके आँख में मेरे ख्याल में कोई इंजरी हुई है जिसके अंदर इसको पस हो गई थी। अच्छा, अभी इसको हम लोग एंटीबायोटिक से क्लियर करके और इसको ठीक कर रहे हैं सर। तो भाई आप देख सकते हो सारे डॉग्स कैसे ओपनली घूम रहे हैं यहाँ पे, अभी सबको छोड़ दिया है, सुबह शाम छोड़ते हैं इनको डेली, और बहुत घूमने के लिए एरिया है, ये लगा लो 100 डॉग्स तो आराम से घूम सकते हैं यहाँ पे। सर बताएं कुछ, क्या कह रहे थे सर, आप बताओ। सर इतना ओपन एरिया हम लोगों ने इसलिए रखा है, अभी डॉग यहाँ पे अपनी मर्जी से घूमेगा, जितनी एक्सरसाइज उसको रिक्वायर्ड है। अभी जैसे जर्मन शेफर्ड्स हैं इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है एक्सरसाइज की, ये यहाँ पे 5-7 किलोमीटर इजीली रनिंग करते हैं, शाम को हम बॉल से और डिफरेंट टॉयज से इनको खिलाते हैं जिससे इनकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है। अभी हम लोग इस एरिया को जब डेवलप करेंगे तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल कोर्स वगैरह भी लगाएंगे जिससे कि आपके यहाँ पूरे में ग्रास, ग्रास डेवलपमेंट हो सके, पूरे में ग्रास, पूरे में ग्रास और वेजिटेबल्स, डिफरेंट एक्टिविटीज वगैरह हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, उसके लिए ही हमारी ये प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पे आप कह रहे थे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, यस यहाँ पे हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी लगाएंगे जिसमें डॉग्स के लिए भी डिफरेंट वेजीज हो जाएं और हमारे घर के लिए भी हो जाएं। तो यहाँ पे हम इस एरिया को इस तरह से डेवलप करेंगे और एक वीकेंड एक्टिविटी जोन की तरह से हम लोग इसको डेवलप करेंगे कि आप अपने डॉग को लेके आए, एक डॉग पिकनिक स्पॉट बनाए, एरिया ही नहीं है कोई घुमाने के लिए अपने डॉग्स को, आप डॉग को लेके आए, पिकनिक करवाएं उसकी, वो हमारे डॉग्स के साथ खेलें और यहाँ पे सारा दिन एंजॉय करें, आप भी यहाँ पे रिलैक्स हो सकते हैं, एक अच्छे क्लीन एनवायरनमेंट सिटी से दूर आप यहाँ पे आके अपने डॉग के साथ एंजॉय कर सकते हैं सर। देखो सारे कैसे घूम रहे हैं आराम से बिल्कुल, और बिल्कुल भी कोई लड़ नहीं रहा, सब में दोस्ती है ना सर, सब में दोस्ती है, सब खुश हैं और डॉग की पहचान उसकी हेल्थ उसकी खुशी से ही डिफाइन हो जाती है। अगर डॉग खुश है तो वो अच्छी हेल्थ करेगा सर, आपको ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास अच्छा स्पेस होना चाहिए, अच्छा आप उसको फूड दीजिए, तो इसलिए हम लोगों ने ये सिटी से दूर इसको डेवलप कर रहे हैं इस एरिया को।